शहरी स्थानीय निकाय में सफाई तथा बेहतर जन सेवाएं प्रदान करने में प्रथम रहने वाले शहरों को श्रेष्ठ शहर योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद को 1 करोड़ रुपए तथा नगर पंचायत को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये जानकारी शहरी विकास आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीन चौधरी ने पालमपुर में कांगड़ा तथा चंबा जिला के शहरी स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यशाला में दी। उन्होंने कहा कि योजनाओं के माध्यम से सफाई और बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजना शुरू की जा रही है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार शहरी क्षेत्रों के विकास और सुविधाओं को सृजन के लिए प्राथमिकता के साथ कई नए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने तथा शहरी गरीबों के उन्नयन हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजित तथा राज्य सरकार द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की जा रही हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी क्षेत्रों में सड़कों का रखरखाव, सीवरेज योजना, पार्कों तथा पार्किंग का निर्माण इत्यादि शामिल है। शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित किया गया है और इसके अंतर्गत 2,110 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक धर्मशाला के 210 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और इस वर्ष स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत होने वाले कार्यों को गति प्रदान की जाएगी, जिसके लिए सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में स्मार्ट एवं आधुनिक यातायात संबंधित कार्य, सड़कों, गलियों व सीढ़ियों का सुधार एवं नवीनीकरण, पार्कों व खेल के मैदानों का निर्माण और संपूर्ण शहर में सूचना एवं संचार तकनीक की युक्त सेवाएं प्रदान करने को प्राथमिकता पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए आवंटित धनराशि का प्रयोग केवल स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा। शहरी गरीबों के लिए विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक के प्रदेश में 4,570 लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु चयनित किया गया है तथा भारत सरकार ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु 1.65 लाख रूपए प्रति लाभार्थी अनुदान प्रदान किया जा रहा है। योजना के दूसरे चरण में 3,345 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिसे शीघ्र ही भारत सरकार को स्वीकृत हेतु भेजा जा रहा है। इससे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी विकास तरुण कपूर, शहरी विकास विभाग के निदेशक डॉ. डीके गुप्ता ने शहरी क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस बजट में शहरी स्थानीय निकायों में सफाई और बेहतर जन सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए आपस में किसका एरिया बेटर है उसको भी विभाग देखेगा और उसमें श्रेष्ठ शहर योजना नामक पुरस्कार योजना शुरू की जा रही है, जिसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार और नगर पंचायत को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए जो भी गाइडलाइन है ये विभाग इसको जल्द तुरंत आपके बीच में रख देगा और ये आपस में आपका कंपटीशन होगा। एक नई योजना है, इसमें मुझे लगता है आप और बेहतर काम करते जाएंगे कि हमारा जितना बेहतर काम होगा उतना ही सरकार की ओर से हमें पुरस्कारित, क्योंकि अगर हम विदेशों में भी जाते हैं, लंदन वगैरह जहां नॉर्वे वगैरह में जहां पे भी गई वहां पे भी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है और मुझे लगता है वो सफाई का सबसे बड़ी बात है। अब विभाग में किस तरीके से इसको हम आगे लाते हैं, क्योंकि डस्टबिन तो हर कोई कहता है लेकिन डस्टबिन से भी आगे न जाना, उसकी सफाई कितना प्रैक्टिकल है ये देखने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर कोई प्लांट होगा तो हम डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की बात को भी सुनिश्चित कर पाएंगे। इस और है इतने सालों से नहीं हुआ पड़ा, इसमें कुछ नहीं आगे बढ़ पाया, हम कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा विभाग इसको अच्छे से आगे पहुंचाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से स्वयं झाड़ू उठाया, एक जमाना था कहते थे झाड़ू लगाना हमारा काम नहीं है, हम तो क्यों शहर के लोग हैं, कोई आएगा तो झाड़ू लगा दे, क्यों दुकानदार भी झाड़ू लगाता था रात अंधेरे अंधेरे में भी कोई देख ना ले, लगाना चाहे स्वयं ही हो लेकिन एक प्राउड फीलिंग। अभी तो हमारे वो जो कमेटियां हैं वो भी पूरी तरह से नहीं बनी है, उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
इसके अंतर्गत 2110 करोड़ रुपया तो हमारे बीच में आया है। और स्मार्ट सिटी का और कॉर्पोरेशन का भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि ये दो अलग अलग यूनिट है। कॉर्पोरेशन का पैसा अलग है, स्मार्ट सिटी का अलग है। स्मार्ट सिटी का पैसा आई विल इंश्योर ओनली स्मार्ट सिटी में लगेगा, क्योंकि पहले क्या हुआ उसकी और मैं जाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन आगे से कमिश्नर साहब को भी प्रोजेक्ट सामने बताए क्या क्या करना है, आगे तेज गति से चल रहे हैं। और इसी के बीच में धर्मशाला को 210 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं और इस वर्ष स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत होने वाले कार्यों को गति प्रदान की जाएगी, जिसके लिए सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। ये कार्य है स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण, जैसे स्मार्ट और आधुनिक यातायात संबंधित कार्य है ट्रांसपोर्टेशन के, सड़कों गलियों सीढ़ियों का सुधार एवं नवीनीकरण, पार्कों खेल के मैदानों का निर्माण, संपूर्ण शहर में सूचना और संचार तकनीक युक्त सेवाएं प्रदान करना, इसमें बहुत सारा डिटेल है आगे। और मैं ये चाहूंगी कि ये कोई और विभाग नहीं, स्मार्ट सिटी का हमारा विभाग इसको देखे।